कंस्ट्रक्शन के तालुक से सवाल है। जैसे आपने कहा था कि नक्शा बताया जाता है और घर खरीदा जाता है, तो ये यहाँ तक तो दुरुस्त, अगर खड़े हो जाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा जी। ये यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन उसके आगे जो मसला आता है लोगों को लोन पे लेने का, तो जो लोन पे लेता है वो तो गलत करता है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो सही करते हैं क्या? क्या चीज़ खरीदना और बेचना? फ्लैट जी। अब वो फ्लैट जो खरीद रहा है लोन पे ले रहा है सामने वाला, अब यहाँ पे उसके लिए तो पैसे कहाँ से ला रहा है उसको जाए उससे मतलब नहीं है बेचने वाले को, लेकिन उनको NOC देनी पड़ती है कि आप लोन ले सकते हैं इस फ्लैट के अगेंस्ट में, तो ये NOC देना ताउन में शरीक होता है? देखिए, अगर उसे पता नहीं है कि ये खरीदने वाला शख्स हमारे NOC को ले जा कर के और लोन उससे लेगा, अगर उसके जानकारी में नहीं है तब तो दे सकता है और उस पर कारोबार और उस पर सौदा हो जाएगा, वो गुनहगार नहीं होगा बेचने वाला। लेकिन अगर बेचने वाले को पता है कि NOC को ले जा कर के वो बैंक में जमा करेगा और उससे वो लोन लेगा, वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान, तो गुनाह के काम में ताउन अगर वो पेश कर रहा है तो दोनों गुनाह में बराबर के होंगे शरीक। मतलब वो उसकी सबसे जायज़ नहीं, अगर उसको इल्म नहीं से होगा, अगर उसे इल्म है तो NOC दे करके वो गुनहगार होगा। अच्छा, वो इस तरह के दलील पेश करते हैं शेख कि मतलब ये जो है उसका हक, ये ज़मीन जो है रजिस्टर्ड है, ये पूरा प्लान म्यूनसिपलिटी से फाइनलाइज है, हम आपको भी हम सबको देते हैं, लेकिन खसूसन मांगता वही है जिसको लोन की ज़रूरत है, तो ये एक हीला नहीं है उसके बीच? किस चीज़ का हीला? जैसे बिल्डर पर लाजिम है NOC देना सबको, सबको उसके बगैर में लाजमी चीज का हवाला देकर, शर्त का हवाला देकर NOC कलेक्ट करता है और उसको लोन लेने के लिए इस्तेमाल करता है, उसके बगैर उसको लोन नहीं मिल सकता, वो सिरे से अपना उसके साथ सौदा ही कैंसिल कर सकता है, पर NOC नहीं देगा क्योंकि हराम है। अगर दे तो ये गलत है। गलत है। मैंने कहा अगर उसकी जानकारी में है कि इसका गलत इस्तेमाल करेगा, अगर इसकी जानकारी में है कि वो ले जा कर के वो जमा करके लोन ही लेगा, किसी के बारे में अगर हम परफेक्ट जानकारी है तो उसे नहीं देंगे, अगर नहीं पता है कि वो क्या करने वाले हैं तो दे सकते हैं, अगर ये नहीं पता है कि वो उस NOC को क्या करेंगे तो उसे दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कब ये गलत होता है? जब हमें पता हो कि ये लेने वाला शख्स उसे इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक मिसाल देता हूँ, पुराने ज़माने के फुकहा ने जो मिसाल दी है इस तरह के मसाइल में, कहा अंगूर का कारोबार करने वाला शख्स, जाहिर सी बात है जो भी ख़रीदने वाले लोग हैं उनके हाथ से बेच सकता है, पर अगर उसके सामने ऐसा ख़रीदार आ जाए जिसके पास शराब की फैक्ट्री है और बेचने वाले को पता है कि ये बंदा ये इतना सारा ले करके वहीं पर ले जाने वाला है, तो उसके हाथ से अंगूर बेचना हराम है। अंगूर ये एक अच्छी चीज़ है, फल है, इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके हाथ नहीं बेच सकते, उसके हाथ से नहीं बेच सकते जिसके बारे में हमें पता है कि वो अपनी फैक्ट्री में लगाने वाला है। ऐसे ही आज के दौर में फूल पत्तियाँ आदमी इस्तेमाल करता है और उसे ख़रीद भी सकता है, अगर फूल पत्तियाँ लोग अपने घरों की जीनत के लिए लेना चाहते हैं, उनका ज़ौक है, बिल्कुल ले सकते हैं, पर अगर कोई दरगाही शख्स आ रहा है फूल पत्तियाँ ख़रीदने के लिए, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, तो उसके हाथ से आप नहीं बेच सकते, क्यों? वो ले जा कर के चढ़ाने वाला है। ऐसी जगहों पर जहाँ गैरुल्लाह की इबादत होती है, बंदगी होती है, हराम। इसीलिए कहा जाता है लिल वसाइल अहकामुल मकासिद, वसाइल का हुक्म वही है जो मकसद का है। मकसद क्या है? वसीले का हुक्म जो ज़रिया बनना है उसका हुक्म वही है, दोनों सेम सेम। वसीले का पाक होना ज़रूरी है जैसे कि मकसद का पाक होना, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना करने की वजह से हम बहुत ज़्यादा हराम चीज़ों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।